अब यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन ऐड करते जाना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना होगा। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 10th क्लास को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब 10th क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि हम यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट करें। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि 12th क्लास में आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी था, तो इस केस में आप यहाँ पर साइंस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 12th क्लास में आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स था, तो इस केस में आप यहाँ पर मैथ्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या ऐसे ही 12th क्लास में जो भी आपका मेन स्ट्रीम रहा होगा उस हिसाब से आप यहाँ पर सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं।